आज ये थर्ड चैप्टर थर्ड टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये केमिकल इक्वेशंस। मैंने कल ये बताया था व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस, केमिकल क्या होते हैं, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दो तरह की मैंने बताया था, बैलेंस अनबैलेंस था। तो बैलेंस है तो उसमें क्या था, उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी चीज दिखाया था। ये बताया था कि उसमें एटम में मोलिकूल जो होते हैं मासेस, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के वैल्यू को जो थ्योरी है उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये बैलेंस जो करना होता है, हाउ टू बैलेंस। अब ये बैलेंस यूज करना जो अनबैलेंस होता है, अनबैलेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल जो मैंने ये चार टॉपिक दिया है, इसमें से एक पहला लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कंबाइंड होकर केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद वो मिलता है वाटर। अब यहाँ पर देखिए ये अनबैलेंस है, कैसे पता चलेगा। अच्छा, एक चीज बताया था मैंने आप लोगों को, जैसे कि ए बी हो गया, या ए है तो नीचे में मान लीजिए फोर है, यहाँ पे टू है या थ्री है, कुछ भी हमने डाल दिया। तो ये फोर क्या है, फोर एटम कहलाएगा और थ्री मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये क्लियर है कि आगे साइड मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं और नीचे साइड एटम्स लिखे होते हैं। इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, दो। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो हो गए, ऑक्सीजन के एक ही है, क्योंकि हमें अब यहाँ पे हमको बैलेंस करना है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है होनी चाहिए, दो ऑक्सीजन होनी चाहिए, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बता रहा है। अब इसको इसको हम अनबैलेंस की कैटेगरी में डालते हैं। तब इसको बैलेंस करने की प्रोसेस, तो बैलेंस करने की बहुत सारी प्रोसेस है जिसमें हमारे लिए जो उपयुक्त है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड में जो जनरली यूज किया जाता है, हाँ, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो ये अनबैलेंस है, तो इसको करने की एक प्रोसेस है। ये पूरे रिएक्टेंट कहलाएगा, ये पूरे रिएक्टेंट कहलाते हैं और इस साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। मैंने बहुत पहले भी बता रखा है, ये पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही जो पार्टिसिपेट करेगा वही प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखना है बैलेंस कैसे कर रहे हैं हम लोग, चेक कैसे करते हैं। ये देखिए रिएक्टेंट कितने, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन कितने हैं दो है, हाइड्रोजन कितने हैं दो है, ऑक्सीजन कितना है एक है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, अनबैलेंस हो गई, इससे पता चला। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हम लोग इन दोनों को देखते हैं कि वन को टू करना है तो क्या करेंगे, टू से कर लेंगे। तो टू से करने के बाद कितना आ जाएगा, ये अब जो नया कंडीशन बनेगा, इसमें प्रोडक्ट में हमने दो डाला है, प्रोडक्ट साइड में दो, तो हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, एटम के प्लेस पे नहीं करेंगे, कभी भी ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के प्लेस पे। तो टू यहाँ पे हमने डाला। अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे दो कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन कितना है, टू टू जा फोर, अब ये फोर बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन दो हो गई, ठीक है। अब ये फिर अदर हैंड देखते हैं, यहाँ पे ये चार हो गया, ये तो ओके है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में देखते हैं अनबैलेंस हो गई, यहाँ पे चार है यहाँ पे दो ही है, तो यहाँ पे हमने फिर दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कहाँ पे किया, हाइड्रोजन में किया। अब हाइड्रोजन में हम लोग कर रहे हैं तो हाइड्रोजन साइड में ये है, अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, पहले ही बताया, तो अब दो कहाँ ऐड करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप नए केस में देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन कितना हो गया दो, ठीक है। इस साइड देखिए हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, बैलेंस हो गई, दोनों साइड बराबर है। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गई हीट एंड ट्रायल। जब भी आप बैलेंस करेंगे, एक साइड बैलेंस करेंगे तो अदर पार्ट हो सकता है तो अनबैलेंस हो जाए, उसको फिर से रीड करना पड़ता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का किया है। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं अभी इमीडिएटली। इसमें जैसे मान लिया जाए हम लोग सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, ये टू लिखने के जैसे मैंने क्लास नाइन्थ में एक प्रोसेस था वैलेंसी वाला, शायद याद हो आप लोगों को। ये देखो सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम के वैलेंसी वन, इसकी टू, ये टू इधर चला जाएगा और वन इधर आ जाएगा, तो टू जाएगा तो क्या होगा, Na2O ये बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड हम यही लिखेंगे, जैसे मान लिया जाए जैसे हम लोग सोडियम हो गया, इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना होगा, हैवी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितना होगा तीन, ऑक्सीजन का दो, तो दो तीन यहां जाएगा, दो इधर चला जाएगा, तो कितना बन गया Al2O। तो इस तरह का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे, ये बनेगा, क्यों बनेगा, ये तो क्लियर हो गया, नाइन्थ में मैंने ये मेंशन कर रखा है।
तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो यही बनेगा, ये याद रखना बस। अब आते हैं इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखिए यहां पे रिएक्टेंट साइड हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया। तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया है, सोडियम और ऑक्सीजन। तो इधर भी है सोडियम कितना है एक, ऑक्सीजन कितना है दो, इधर सोडियम दो ऑक्सीजन एक। अब यहां देखिए इसको हम लोग प्रोडक्ट जैसे कोई जरूर नहीं प्रोडक्ट साइड भी लेके हम लोग केवल बैलेंस करेंगे, हो सकता है मैं इधर भी लेके चलूं। पहले मैं पिछले एग्जांपल में मैंने इस साइड से लेके चला ये इधर लेके चलते हैं। तो सोडियम को 1 को 2 करना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नया कंडीशन क्या बना, सोडियम फिर 2 हो गया, सोडियम 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑलरेडी था ही, इधर सोडियम 2 है ही, अब हो गया ऑक्सीजन 1 ही है। अब ये वाला सोडियम तो बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन की केस में देखते हैं। ये स्टेप फर्स्ट हो गया था, अब ये स्टेप सेकेंड की बात कर रहे हैं। स्टेप सेकेंड में हमारा यहां पर अनबैलेंस कौन हो गया, ऑक्सीजन। फिर इसको बैलेंस करेंगे, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या किसको किया, ऑक्सीजन को किया। अब यहां पर तो लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे कहां पे हम लोग, तो इसके ऊपर। मैंने बार बार बताया था यहां पर नहीं लिखते हैं एटम की जगह, मॉलिक्यूल की जगह पर लिखना है। अब ये जो कंडीशन है इसमें अनबैलेंसिंग क्या क्या हो गई, अब ये सोडियम 2 नहीं रहा यहाँ पे, अब ये सोडियम कितना हो गया, यहाँ पर तो ठीक ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे अब 2 नहीं रहा, यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड, एक बार बैलेंस किया, दूसरा अनबैलेंस हुआ, इसको बार बार हमने किया, थर्ड स्टेप में जाके मेरा ये बैलेंसिंग हुआ। इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर हम लोग थर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं, थर्ड एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एग्जांपल है एल्युमिनियम, एग्जांपल थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज में टूटना, डिकम्पोज हो रहा है, तब ये क्या बनाता है, ये बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, यहां पे भी एल्युमिनियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 4, दोनों को कैलकुलेट करके देख रहे हैं, 3 है, 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब देखिए सबसे पहली बात जो अनबैलेंस है, सबसे हाईली अनबैलेंस्ड है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इन दोनों का एलसीएम लेकर चलेंगे, एलसीएम कितना हो गया, 3 और 4 का एलसीएम हमारा हो गया 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 12। अब ये 12 कैसे करेंगे, तो 3 को 12 पुराना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे 4 डालेंगे तब 3 12 होता है। तो अब ये 12 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, एल्युमिनियम जो है ये केस में स्टेप फर्स्ट था, अब ये स्टेप फर्स्ट की बात हुआ, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगी ये देखना है। स्टेप सेकेंड में एल्युमिनियम कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 12 हो गए, और हाइड्रोजन भी 12 हो गई। इस साइड देखना है, इस साइड हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 एक 4 हो गई, और हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गई। अब ये 12 करना है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा हाईली अनबैलेंस, 6 प्रोडक्ट में किया तो 6 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये फिर अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस कितना हो गया, अनबैलेंस ये देखिए, ये तो 12 हाइड्रोजन तो 12 हो गया, ओके 12 12 हो गया, ऑक्सीजन 6 3 9, इस साइड 9 हो गई। अब पुराना कैसे है, यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे सीधे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे एल्युमिनियम भी 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमने 2 को ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। अब देखना है फिर से बैलेंस करेंगे दोबारा स्टेप में, स्टेप थर्ड की बात करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में कितना है, एल्युमिनियम 4 है ना, प्रोडक्ट ये जो एटम है ये OH के लिए है ना कि एल्युमिनियम के लिए, इसलिए एल्युमिनियम कितना हो गई, 4 हो गई, ऑक्सीजन कितना हो गया, 12, हाइड्रोजन 12। अब यहाँ पे कितना है, फर्स्ट प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम 4,
तीन दुना छ और छ 12 हो गई, और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 दुना 12। अब देखिए सारे बैलेंस है, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग। कितने स्टेप है, थर्ड स्टेप में मुझे ये अचीवमेंट हुआ, और इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए, हम और एग्जांपल देख रहे थे, ये आप लोग खुद करेंगे। एक और एग्जांपल हमें याद आ रहा है, वो हो सकता है जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड, और अल्मोनियम ऑक्साइड और आपको आ गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल थोड़ा हटके है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट हो रहे हैं तो बन रहे हैं हमारा सोडियम एल्युमिनेट और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब इस केस को देखना, ये थोड़ा सा यूनिक है, क्लास एसिड बेस एंड साल्ट में ये स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जो मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ये इक्वेशन में लेके हम लोग देख रहे हैं कैसे होता है। अब यहां देखिए, अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ये हो गए, प्रोडक्ट साइड ये हो गई, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे और हाइड्रोजन की बात करेंगे। एल्यूमिनियम कितनी है हमारा यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3, 1, 4 है, सोडियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है। अब इस साइड प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना है 1 है, सोडियम कितना है 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, 1, 3 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, अब यहां पे हाईली अनबैलेंस देखना है, कौन सा है, ऑक्सीजन वाला टर्म। तो ऑक्सीजन वाला टर्म में कितना है हमारा, यहां देखते हैं कितना है 4 और 3, 4, 3 एलसीएम लेंगे तो 12 होता है, तो 12 करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक चीज और समझना है, इसमें दोनों साइड है ऑक्सीजन, दोनों साइड काउंट करके लेंगे तो इसको अभी फिलहाल छोड़ के हम लोग छोटे वाले को लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हाइड्रोजन एक ही साइड यहाँ पे है तो इस साइड को लेकर चलते हैं, 1, 2 करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड था इसीलिए मैंने इसको छोड़ के छोटे वाले को लिया। यदि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो कितना हो गया ये, अब नया प्रोसेस में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में ये था, स्टेप सेकेंड में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप सेकेंड में एल्युमिनियम कितना हो गया 2 ही है, ये ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 2, 5 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 हो गई, हाइड्रोजन कितना हो गया सोडियम 2 हो गई, 1 कैंसिल 2 हो गई। अब उसके बाद थर्ड ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गई। इस साइड देखेंगे कितना है, ये तो एज यूजुअल, इसमें तो कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। अब देखना है ये 5, 3 ये भी बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको बैलेंस करेंगे सोडियम को लेकर, सोडियम में 2 है क्योंकि एक ही साइड है, इसलिए हमने एज यूजुअल सबसे फॉर्मेटली मैंने इसको चेंज कर दिया, 2 डाल दिया। अब यहां पे देखते हैं कितना कितना हो गया दोबारा से, इस साइड में चेंजिंग स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, सोडियम कितना हो गया 1, 1, 2 हो गई, यस 2 हो गई, एल्युमिनियम कितना हो गई 2 हो गई, एल्युमिनियम 2 हो गई, 1 कैंसिल हो गई, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दुना 4, 1, 5 कैंसिल 5, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यस ये तो 2 ही है, ये देखिए यहां भी 2 है, यस यहां भी 2 है, 5 है यहां, यहां भी 5 है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां, तो ये बैलेंस हो गई। एक बच्चा आप लोग ये कीजिए, ठीक है, यदि आप लोग बनाना चाहेंगे तो 1-2 और इक्वेशन ले लीजिए, अभी हमें नेक्स्ट डे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो गया। अब यदि आपको देखना हो तो जूम करके आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं कि कैसे कैसे बैलेंस हो रहा है, ऐसे आप देखेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ जो आप लोग घर पे करेंगे, पहला क्वेश्चन है होमवर्क, जब ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ठीक होगा, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड होगा 3 होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, दूसरा है पीबीओ प्लस एससीएल, रिएक्शन करके पीबीसीएल 2 प्लस वाटर, और तीसरा इक्वेशन है अमोनिया प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके अमोनियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म। ये आपकी होमवर्क हो गई,
एक दो तीन ट्राई करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं हमसे।